जनपद मुजफ्फरनगर में आज छात्र व छात्राओं के भविष्य के लिए कंपटीशन को देखते हुए नई रणनीति बनाते हुए जल्द होगा मुजफ्फरनगर में सुपर मुजफ्फरनगर कार्यक्रम आयोजित। दिल्ली के स्टेप ऐप एनजीओ के द्वारा छात्र छात्राओं को अच्छे भविष्य को देखते हुए उन्हें नई शिक्षा के लिए जागरूक करते हुए कंपटीशन की तैयारियां कराई जाएंगी, क्योंकि जनपद में स्टूडेंट ज़्यादातर आर्मी व पुलिस फोर्स में जाने के इच्छुक होते हैं और उसी कंपटीशन की तैयारियां करते हैं, मगर अब स्टूडेंट्स के बेहतर भविष्य के लिए उन्हें साइंटिस्ट डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस आईएएस पीसीएस की तैयारियों का स्टेप ऐप से द्वारा जनपद के सभी विद्यालयों में लैब के द्वारा कंपटीशन की निःशुल्क तैयारी कराई जाएगी। आपका नाम और आपके डेजिग्नेशन क्या है? मैं प्रवीण त्यागी पेस संस्था का फाउंडर हूँ और स्टेप ऐप भी मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन है। मैं मोटा गाँव से हूँ गाजियाबाद के पास और पिछले 25 साल से मुंबई में हूँ। अपने जैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उन्हें टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उन्हें आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराना, उस उद्देश्य से मैं अपने मित्र संदीप जी की कॉन्स्टिट्यूंसी आया हूँ। यहाँ मुजफ्फरनगर के प्रशासन ने डीएम साहब सीडीओ साहब सभी ने पूरा सहयोग दिया है और इस बहुत ही सुंदर सुपर मुजफ्फरनगर जो हमने पहल शुरू की है, जिसमें हम पूरे मुजफ्फरनगर के बच्चों को ये स्टेप ऐप देंगे और उन बच्चों में जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उन्हें फ्री आईआईटी और मेडिकल की तैयारी कराएंगे। इस पहल के लिए, इस सहयोग के लिए मैं पूरे प्रशासन का आभारी हूं और संजीव जी का स्पेशल। इंडिया के अंदर कितनी जगह आपका ये स्टेप ऐप सेंटर चल रहा है? हमारे 55 सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, तो ये 5000 स्कूलों से ज़्यादा में चल रहा है। हमने पूरे इंडिया के एकलव्य स्कूल्स में इम्प्लीमेंटेड है, वहाँ पे पेड मॉडल है, तो यहाँ हमने ये फ्री रखा है। सर, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा जो शिक्षा ग्रहण में असमर्थ होता है, क्योंकि काफ़ी कॉस्टली शिक्षा होती जा रही है, तो उसके लिए क्या सोच रहे हैं? इसीलिए इसी पहल के लिए मुझे ये पता है कि मेरे जैसे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या सरकार, उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो बच्चा इन स्कूलों में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में, उन बच्चों के पास रिसोर्सेज नहीं है। तो चाहे मैं पैसा खर्च करूं या सरकार पैसा खर्च करे, लेकिन इस पूरे देश की जिम्मेदारी है कि जो भी पढ़ने वाला मेरिटोरियस बच्चा है उस बच्चे को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन। वो बच्चे कहाँ कैसे संपर्क कर पाएगा? उन बच्चों को इस ऐप को हम हर बच्चे तक पहुँचाएंगे हर स्कूल में, और उन बच्चों का टैलेंट उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आइडेंटिफाई होके हमें पता लगेगा। सर, जो तैयारी बच्चे करेंगे वो ऑफ क्लास होगी या ऑनलाइन होगी? आईआईटी और ये जो तैयारी होगी वो भी ऑनलाइन होगी, और जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है स्टेप ऐप, जिसमें बच्चे लर्न करके और टैलेंट आइडेंटिफाई होगा, वो भी ऐप के थ्रू। देखिए, पूरे देश में फेमस है स्टेप अप ऐप। ये स्टेप ऐप ये जो बॉम्बे से है, बेसिकली महाराष्ट्र में आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग कराते हैं प्रवीण त्यागी जी, उनके द्वारा वो है, और पूरे देश में केंद्रीय विद्यालय हों या अलग अलग संस्थाएं हों, स्टेट गवर्नमेंट भी इस ऐप को ले रही हैं। चूँकि वे गाजियाबाद के रहने वाले हैं, मेरे मित्र हैं, इसलिए मुझे फ्रंट के बच्चों के लिए एक तरह से कह सकते हैं इसमें लर्निंग भी है और इसमें टेस्ट भी है। जो मुझे फ्रंट में टॉप के बच्चे होंगे, करीब 500 बच्चों का टारगेट हमने सोचा है, उनको इनकी अकेडमी के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग मुझे फ्रंट के लिए प्रोवाइड की जाएगी, और ऐप के लिए भी कोई कॉस्ट इन्होंने अपनी तरफ से नहीं रखी है। पूरे मुजफ्फरनगर जनपद के लिए कोचिंग और यह ऐप बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो उसी संबंध में आज सभी स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ आए थे, तो मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक मुजफ्फरनगर में एक ऐसा हेल्दी माहौल तैयार करेंगे कि बच्चों के बीच में आपस में कंपटीशन भी हो, और मुजफ्फरनगर की जो क्रीम है, जो टॉप बच्चे हैं जो आईआईटी और मेडिकल जा सकते हैं, उनको हम सेलेक्ट कर सकें, उनकी कोचिंग के माध्यम से मदद कर सकें, ये इसका उद्देश्य है। कई दिनों से लगातार आप इसमें मेहनत कर रहे हैं मुजफ्फरनगर के लिए, तो क्या समझते हैं कितना लोगों का सहयोग आपको मिलेगा? देखिए, मुझे उम्मीद है कि पूरे मुजफ्फरनगर का, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि मुजफ्फरनगर में शिक्षा का स्तर जो कभी पहले होता था वो आज नहीं है, तो हम सब की सोच यही है कि हम सब साथ मिलकर शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाएं, और मुजफ्फरनगर के जनपद के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे MBBS या IIT या और इंजीनियरिंग संस्थाओं या कहीं बेहतर निकल सकें, यही हम सबका उद्देश्य है। धन्यवाद।